नगर निगम शिमला ने शुक्रवार को अपना वार्षिक बजट 2022-23 पेश किया है। मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का 224 करोड़ 19 लाख रुपए का ये अंतिम बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2 करोड़ रुपए अधिक है। चुनावी साल को देखते हुए नगर निगम द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। नगर निगम ने इस बजट में कोई नई योजना शुरू करने का ऐलान नहीं किया है। इस बजट में भी पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है और कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया गया है। बजट में शहर की जनता और पार्षदों के सुझावों को शामिल किया गया है। शहर में सभी वार्डों में जिम, एम्बुलेंस रोड, पार्किंग बनाने के साथ ही ग्रीन टैक्स लगाने और बिजली की तारों को भूमिगत करने और शहर के सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की गई है। शिमला नगर निगम द्वारा पेश किए गए बजट को जहां भाजपा के पार्षद राहत वाला करार दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को कट कॉपी पेस्ट और पुरानी योजनाओं को दोबारा से बजट में शामिल करने वाला बजट बताया है। कांग्रेस के पार्षदों ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा पार्षदों से बजट को लेकर प्राथमिकताएं मांगी गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी प्राथमिकता बजट में शामिल नहीं की गई है। इसके अलावा शहर की जनता को इस बजट में कोई भी राहत नहीं दी गई है। लोगों को कोरोना काल के कूड़े, पानी और बिजली के बिलों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन किसी भी वर्ग को कोई भी राहत नहीं दी गई है। कांग्रेस के पार्षद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये बजट पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के कार्य केवल महापौर और उपमहापौर के वार्ड के अलावा कहीं नहीं किए गए हैं। शहर में व्यापारी वर्ग को इस बजट से कोई भी राहत नहीं दी गई है, जबकि व्यापारियों के साथ लोग भी कोविड के दौरान कूड़ा और बिजली के बिलों में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन बजट में लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस के पार्षद दिवाकर दत्त ने कहा कि महापौर द्वारा पेश किए गए इस बजट में पिछले साल की घोषणाओं को ही शामिल किया गया है। नगर निगम पिछले 4 सालों से ग्रीन टैक्स लगाने, नगर निगम के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होने, नगर निगम के लैब बनाने की बातें इस बजट में भी शामिल की गई है। बजट में कोई भी नई घोषणा नहीं है, केवल पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि पार्षदों से नगर निगम ने सुझाव मांगे थे, उनमें से कोई भी सुझाव बजट में शामिल नहीं किया गया है। लोगों को नहीं बल्कि पार्षदों को भी इस बजट से निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस पार्षद आनंद कौशल ने कहा कि नगर निगम का ये आखिरी बजट था और ये चुनाव कांग्रेस पार्षद आनंद कौशल ने कहा कि नगर निगम का ये आखिरी बजट था और ये चुनावी बजट है और लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। कोरोना के समय लोगों का कामकाज ठप हो गया और कूड़ा पानी के बिलों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में कुछ भी नया नहीं है और अब 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो जनता इन्हें और जवाब देगी। बिल्कुल डेफिनेटली पिछले वर्ष की भांति ये जो बजट भी है इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं महापौर मैम ने, जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज़ किया, तो वो पैसे का यूज़ नहीं किया उन्होंने, अपना मिस यूज़ किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप IGMT और संजौली का जो मार्क है उस पर 25 करोड़ रुपये का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियां भी वहां से क्रॉस करती और भी फायदे होते। लेकिन ऐसी कई बातें हैं, ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज़ किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़ों का माया जाल है और आम पब्लिक में इसलिए कुछ नहीं है, ना हेल्थ के लिए है। अगर आप देखें व्यापारियों की जो स्मार्ट सिटी के दौरान दुकानें बनाई गई हैं वो भी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, बाजार के टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है जो कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं ये विजन की कमी है। मुझे लगता है कि जब आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको उसकी उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। और पिछले ही बजट का एक कट कॉपी पेस्ट है जो मुझे जी बिल्कुल डेफिनेटली कूड़े का, ना केवल व्यापारियों के लिए आम जनता को भी काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना के समय में चाहे व्यापारी था हर वक्त अपने घर पर बैठा और कूड़ा भी उतना नहीं निकला। लेकिन जब हमने यहाँ पर पिछली बार भी सरकार को माननीय हाउस में भी हमने अपना ये प्रश्न रखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांग जो है सरकार के समक्ष रखी जाएगी। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि बजट में इसको लेकर कुछ ना कुछ किया जाएगा, ना कूड़े। इसके अधिक अगर बात करते हैं हम पानी की भी, पानी को अगर बेशक प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन जो इसका बोझ है आम जनता को वो जो जवाबदेही है नगर निगम की है, क्योंकि 51% शेयर उसमें हमारा भी है, तो लोग पार्षदों को पकड़ते हैं उस पर भी कुछ नहीं। अगर आप देखें पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और
लोग इसमें भी काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी भी कोई भी बात जो जब जनता से जुड़ी हुई है उसमें इसमें कुछ भी नहीं लिया गया, मुझे लगता है बिल्कुल ये गुमराह किया गया है और इसका जवाब जो है आने वाले समय पब्लिक जो है चुनावों में देगी। निश्चित तौर पर इस सत्र का आखिरी बजट है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बजट में विशेष क्या, बजट हमेशा की तरह कट कॉपी पेस्ट का कमाल है। आप लोग भी पिछले सदन बैठक में भी उपलब्ध थे, जब पिछले वर्ष बजट पेश किया गया था उसमें भी जितने सारी उपलब्धियां बताई गई थी या जो प्रस्तावना रखी गई वही वर्तमान बजट में भी फिर से कट कॉपी पेस्ट किया गया और कहीं भी कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं, कहीं भी आप लोगों को राहत देने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। माननीय महापौर ने विगत जो बैठक थी लगभग कोई 5 से 6 महापौर, उसमें उन्होंने कहा था कि हम बीपीएल वाले लोगों के लिए कूड़े के बिल माफ़ करेंगे, उस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। विगत 2 वर्षों से निरंतर कोविड चल रहा है, हमने यहाँ पे बिजली पानी कूड़ा टैक्स की माफ़ी की मांग की, जिसको लेकर एक बार माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी सदन का भाग रहे और उन्होंने भी कहा था कि जो आपका डिफिशिट अमाउंट है वो आप सदन को भेजें, आप सेक्रेटेरिएट भेजें, हम उस पर कार्य करेंगे, परंतु उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। बजट में आम जन के लिए कोई भी राहत का विषय नहीं चर्चा किया गया। कट कॉपी पेस्ट का कमाल आप देखिए, ग्रीन टैक्स से आप शुरू हो रहे हैं, ग्रीन टैक्स कोई आज का नहीं है, ये विगत 5 वर्षों से निरंतर हर बजट में शामिल किया जा रहा है कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है वो निश्चित तौर पर हर बार शामिल किया जा रहा है, हमारा स्टाफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी भाग बढ़ाए गए हैं, अभी भाग 41 बना दिए गए हैं, हमारे जितने भी कनिष्ठ अभियंता है वो आज भी उतने ही हैं, हमारा जो स्टाफ है वो घटता जा रहा है और बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है और ना ये बढ़ा रहे हैं, ना इस विषय के लिए कोई भी चर्चा रखी गई है। प्रयोगशाला की जो बात करते हैं कि निगम प्रयोगशाला खोली जाएगी, वो आज भी वैसे प्रस्तावित है जैसे विगत 5 वर्षों से निरंतर चल रहा है। गार्बेज व्हीकल का बात है वो लगभग 5 वर्षों से निरंतर वैसे ही चल रहा है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो पूर्व महापौर थे कुसुम सदरेट जी, उन्होंने भी बात रखी थी कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य करेंगे, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में कार्य करेंगे, वो पहले भी था, आज भी वही कार्य चल रहे हैं। उसके बाद MC ऑफिस की बात की गई और रे के तहत जो प्रोजेक्ट वो सारी चर्चा हुई है, परंतु विस्तृत चर्चा वही है कि घुमा फिरा के हम वहीं पहुँच रहे हैं जहाँ हम पहले थे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिस विषय को लेकर विचार किया जाए, सारे ज्वलंत मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, हमसे एक विशेष चर्चा की गई, सुझाव प्रस्ताव मांगे गए, उनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया, कहीं ना कहीं समस्त पार्षद सदन व आम जन को गुमराह करने का प्रयास। स्टेज का बजट जो महापौर सत्या कौंडल जी ने आज प्रस्तुत किया, तो ये चुनावी साल देखते हुए इन्होंने लोगों को एक सूचना दे दिया है, गुमराह किया है, जो कार्य पिछले चले हुए हैं वही दर्शाए गए हैं, कोई भी नया कार्य जो है इसमें नहीं दिखाया गया। स्मार्ट सिटी में जो जितने भी कार्य हैं वो संजोली ढली वार्ड के हैं मैक्सिमम, बाकी जो वार्ड हैं उनको कहीं छुआ भी नहीं गया। इन्होंने मीटिंग बुला के पार्षदों से प्रायोरिटी मांगी थी लेकिन प्रायोरिटी का एक भी कहीं जिक्र नहीं है। मैंने अपनी प्रायोरिटी में दिया था क्रॉसिंग में जो कार पार्किंग है वहाँ पे हजारों यात्री अप डाउन करते हैं, लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं, वहाँ एक टॉयलेट और एक रेन शेल्टर का बनाया जाए उसका एक भी शब्द कहीं जिक्र नहीं किया। और भी प्रायोरिटी थी तो कहीं भी टूटी गंडी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बाकी भी कई वार्ड हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है सिवाय संजोली और धली और छोटा शिमला। कई घोषणाएं की हैं और इन्होंने घोषणाएं क्या घोषणाएं तो पिछले साल भी करी थी इन्होंने कि हम एक लैब खोलेंगे, कहाँ है वो लैब? सब्जी मंडी में इन्होंने कहा था कि हम एक छत के नीचे लोगों को सुविधा देंगे जिसमें सारे बिजली के बिल लेना देना अपना MC का ऑफिस जाएगा, आज तक उस पर एक इंच नहीं लगी। तो इस तरह की घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं है, बाकी इनको ही पता है कि 1 महीना बाकी है, कर लो चुनावी साल है लोगों को दिखा दो सपने। आप देखिए आज जो है 22-23 का जो बजट है वो जो प्रस्तुत किया गया है ये लगभग 22-24 करोड़ का बजट था और ये जो बजट नगर निगम में रखा गया है इससे पहले सभी पार्षद गण का इसमें जो है राय ली गई थी और सभी अपने जो है जो शिमला शहर की जो जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक सुरेश भारद्वाज जी हैं उनकी भी राय ली गई थी और जो हमारे अनुज जी है विक्रमादित्य जी है जो यहाँ के
हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझती हूँ कि जो बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है, जो जो शिमला शहर की डिमांड थी और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। मैं तो सबसे पहले तो मैं जो केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल सरकार हमारी जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अमृत के तहत उन्होंने हमारे को शिमला शहर के लिए पैसा दिया और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया। आज जितना भी शिमला शहर की जो भी डिमांडें थी वो अधिकतर 80% डिमांडें जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और स्मार्ट सिटी और अमृत के तहत जो है पूरी हो चुकी है। जैसे कि लोगों की मांग थी कि पूरे शिमला वार्डों में जो है एम्बुलेंस रोड होने चाहिए और पार्किंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम होने चाहिए, ओपन पार्क होने चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अमृत के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध हुई है हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है शिमला जनता के लिए। और इसके बावजूद कहीं भी अगर और हमारे पास प्रस्तावना आती है तो सबसे पहले हम जो है एम्बुलेंस रोड बनाएंगे और पार्किंग हम बनाएंगे और जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है हम पार्क भी बनाएंगे और जितनी भी डिमांडें जो हमारी जनता ने रखी है वो मैं समझती हूँ लगभग पूरी हो चुकी है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि 40 साल के बाद जो एक डेवलपमेंट प्लान शिमला शहर के लिए माननीय अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी लाए हैं जो आज तक कोई नहीं ला सकते। मैं उनके शिमला शहर की जनता की तरफ से और पूरे नगर निगम की के सभी पार्षद गण की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शहर की जनता ने जो जो डिमांडें रखी थी, चाहे उन्होंने लाइब्रेरी की रखी थी, चाहे उन्होंने पार्किंग की रखी थी, तो हमने पूरी करी है। और जिस तरह के आप बोलते हैं कि कोविड-19 के टाइम हमने जब सरकार को भी प्रस्ताव भेजा था कि कोविड-19 के टाइम जो दुकानें बंद रही थी उनको राहत मिलनी चाहिए, और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम जरूर राहत देंगे, ये पूरा नगर निगम शिमला शहर की बात नहीं है, ये राहत जो है पूरे हिमाचल को मिलेंगी।